बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाने में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। बासित महमूद के किचन में बन रहा आज बहुत मज़ेदार से मटन के चपली कबाब्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कैसे बनाए आप जाके देख के आइए, तब तक मैं इन्हें फ्राई करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। मेरे पास एक पाव कीमा था, बकरे का कीमा। इसके अंदर हमने एक प्याज लिया, उसको मैंने ग्रेट किया और उसका रस निकाल लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून मेरे पास टमाटर है बग़ैर बीज वाले, ये शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है, हरा धनिया, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा एक लाल मिर्च है मेरे पास ताज़ा कटी हुई, और एक हरी मिर्च है ताज़ा कटी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। आधा फटा हुआ अंडा इसमें हम डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच लहसुन का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, एक आधा चम्मच हम साबुत धनिया हाथों से क्रश करके डालेंगे ताज़ा, एक टीस्पून अनारदाना डालेंगे। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेता हूँ। जी दोस्तों, ये ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसके अंदर आधा ऑमलेट डालेंगे, यानी आधे अंडे का ऑमलेट डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, और इसके साथ साथ एक चम्मच बेसन, वो डालेंगे हम मकई का आटा। पहले एक चम्मच डाल के देखूंगा, अगर ज़रूरत है तो मज़ीद एक चम्मच मैं और शामिल करूंगा। जी दोस्तों, और ज़रूरत है तो मैंने एक चम्मच और डाला इसके अंदर मकई का आटा। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि एक जान नहीं हो जाता तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। जी दोस्तों, तो ये एक जान होने लगा है अच्छे तरीके से, देखें बन गया है ये रेडी। तो हम इसको छोड़ देते हैं आधा घंटा एक घंटा मैरिनेट होने के लिए। जी दोस्तों, एक घंटा हो गया, तो अब हम इसके कबाब शेप दे लेते हैं। इस तरीके से एक प्लास्टिक की थैली मैंने ले ली, और इसके ऊपर तकरीबन 3-4 टेबलस्पून के बराबर एक बड़े साइज़ का 80 ग्राम के साइज़ का मैंने कीमा उठाया, और उसकी हम बॉल बनाएंगे, उसको थैली के ऊपर रखेंगे और थैली को कर देंगे बंद। और हाथों की मदद से इसको जितना पतला हम कर सकते हैं उतना पतला करेंगे, तकरीबन आधी सेंटीमीटर जितना इसको पतला करेंगे, क्योंकि ये पकते हुए फूल जाता है। तो ख्याल करेंगे इसके कोने नहीं टूटे, उसको पतले से पतला हम करते जाएंगे, इक्वली होना चाहिए सब तरफ से। फ्रेंड्स, ये हो गया फ्लैट, तो हम इसको चाहें तो ऐसे ही फ्रीज कर लें थैली के अंदर, और चाहें तो हम इसको फ्राई कर लें। इसको उठाएंगे हम हाथ के ऊपर, आसानी से हाथ पे आ गया, इसको हम कर लेंगे फ्राई। इसको तवे पे हम शैलो फ्राई करेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो हम इसे पलटेंगे नहीं 4-5 मिनट तक, जब तक इसका नीचे से कलर चेंज नहीं हो जाता। हम स्पेस बनाने के लिए इसको शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा सा आगे। दूसरा कबाब भी डालेंगे, इस तरीके से हम तीसरा कबाब भी डालेंगे। अब फ्रेंड्स, इन्हें जब तक नीचे से कलर चेंज नहीं होता तब तक पलटेंगे नहीं। कलर चेंज हो गया, तकरीबन 4 मिनट हो गया, तो पहले वाले कबाब को हम पलट लेते हैं। ध्यान से पलटेगा, टूटे नहीं, क्योंकि इनकी शेप अगर ख़राब होगी तो फिर आपको पता है कबाब कबाब नहीं लगते, कीमा लगता है। तो बहुत एहतियात से, क्योंकि अंडा डाले टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो दूसरे को भी पलट लेते हैं, और हम फिर तीसरे को भी पलट लेते हैं। और अब हम इनको दूसरी साइड से भी हम 4-4 मिनट 5-5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इन पर अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। आग फुल ही है फ्रेंड्स, आग स्लो नहीं की मैंने, तो इन्हें 4 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। जी दोस्तों, हमारे कबाब माशाल्लाह रेडी हैं, हम निकाल लेंगे। जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार से चपली कबाब रेडी हैं। आप टेक्सचर देखें, कलर देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैंने सर्व किया इस चटनी के साथ, इसकी रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगर आपका रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।